Oh, would you please relax? You know, ऐसे वक्त में ज्यादा सुनना और बातें कम करना अच्छी बात है, ओके? देखो, मैं तो चेहरे ठीक से पढ़ सकती हूँ, हाँ? You can call it a professional hazard or whatever. और तुम, ओह, तुम ये जानना चाहते हो कि मुझे मेरा काम पसंद है या नहीं? Well, let's see then. Do I like my work? क्या वेद व्यास लिखना पसंद करते थे? हाँ? काफी बेहुदा सवाल था वो. Because सच यही है ना? Everybody's good at something in this life. कुछ लोग उसे जल्दी पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं. But not me. I found what I'm good at. Bloody natural. लेकिन हाँ, हर कला की तरह उसके लिए सही ज्ञान होनी चाहिए एंड मेहनत और ईमानदारी से काम करना तो बिल्कुल जरूरी है, राइट? यू हैव टू हैव अ रियल पैशन फॉर इट, वरना क्या फायदा? मैं जो करती हूँ वो एक कला ही है. समझो जैसे प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक काम करता है या फिर जैसे एक चित्रकार चित्र बनाती है, यू नो, शिट लाइक दैट. आई एम वेरी पर्टिक्युलर व्हेन आई किल समबडी. ऐसे वैसे किसी को नहीं मारती हूँ मैं. अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट गोज इनटू व्हाट आई डू. और हाँ, काम करने से पहले मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती हूँ टू बी नीट एंड टू बी एफिशिएंट. हाँ, कभी कभी मैं इसमें सफल नहीं हो जाती हूँ, यू नो, मैं शरीर के हिस्से को काट के कमरे के हर कोने में फेंकती हूँ जस्ट टू फकिंग मेक अ पॉइंट. पर क्या करें, इट इज व्हाट इट इज. यू नो, एक और बात कहनी थी मुझे. आई डोंट लाइक दिस वर्ड मर्डरर. मुझे किलर शब्द पसंद है. बिकॉज मर्डरर ना, इट जस्ट टेक्स द आर्ट आउट ऑफ द होल थिंग, बट किलर, दैट हैज अ रियली नाइस रिंग टू इट. काफी गहराई है उसमें. हाँ, पर शायद तुम ये बात नहीं समझ पाओगे. तुम्हारे हाथ से तो कोई मरा नहीं है ना आज तक. डैम शेम. मैं पागल नहीं हूं. मेरी जिंदगी उस दिशा में चली गई. मैं कातिलों के बारे में पढ़ने लगी, उनके तौर तरीके समझने लगी, सीखने लगी, एंड आई एंजॉयड इट. पता है, आज तक किसी ने मुझे पकड़ा नहीं है और ना ही कोई पकड़ेगा. पता है क्यों? बिकॉज आई प्लेड माई कार्ड्स राइट. मैं बाकी कातिलों की तरह मशहूर नहीं बनना चाहती हूँ. मुझे लगता है ना, जो सबसे बेहतरीन कातिल होते हैं ना, वो ज्यादा दिखावे पे जोर नहीं डालते और इसी वजह से वो इतिहास के हिस्से बन जाते. दैट्स क्लासी एंड दैट आई लव.